दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मणों के विषय में। वेदों का एक अंग होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण से संबंधित मतलब किसी जाति से रिलेटेड नहीं है, ब्राह्मण वेदों का एक अंग है, उसके आगे का भाग है। ठीक है, ब्राह्मणों में क्या है कि हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण है, इनके अलग अलग नाम है और इन नामों को लेकर के सवाल किए जाते हैं। साथ साथ कौन से ब्राह्मण में कितने कांड हैं, कितने प्रपाठक हैं या कितनी कंडिकाएं हैं या उनका वर्ण्य विषय क्या है, ये सब इन सब चीजों को मिला करके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और खास करके वो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग नेट या सिलेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ब्राह्मणों के संबंध में जितने भी संभावित क्वेश्चन है उन सबके बारे में बताया है। तो इसको आप अंत तक देखें और समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा रोक लें, क्योंकि कई बार समस्या आ जाती है लेखनी की। तो मैं इसलिए लगातार बोल रहा हूं आपसे कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें। मैंने इस वीडियो में ब्राह्मणों को लेकर के सारे सवालों को क्लियर कर दिया, फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। तो ब्राह्मणों के बारे में समझने के लिए आइए चलते हैं वाहेगुरु की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण से मतलब यहाँ पंडित या किसी जाति से मतलब नहीं है। ब्राह्मण वेदों के बाद वाले भाग कहलाए। सबसे पहले वेद लिखे गए, ठीक है ना, वेद श्रुति परंपरा से थे, यानी सुन करके याद रखे जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आरण्यक लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए और फिर उपनिषद लिखे गए। ये एक क्रम है, वैदिक काल का एक क्रम है जिसमें से ये ब्राह्मण जो है तीसरे क्रम में आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण क्या है? वेदों की व्याख्या करने वाले भाव हैं ये। इनमें क्या है? वेदों की व्याख्या है। तो वेदों का, ब्राह्मणों का वर्ण विषय क्या है? वेदों की व्याख्या। तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है ना, वो कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक है। अच्छा, अब इन ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यानी कि इनमें बताया क्या गया है, कैसे बताया गया है, वो चीज आप देखो। ब्राह्मणों में सबसे पहली चीज तो बताई है विधि। ठीक है ना, विधि मतलब तरीका है ना। इसमें क्या है? कर्म की प्रेरणा करने वाले, प्रेरणा देने वाले वाक्य हैं, है ना। विधि क्या करती है? ये किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा है ना। तो ये किसमें बताई गई है? विधि में। विधि से मतलब नियमों से नहीं है, विधि से मतलब है यहां प्रेरणा से। देखो ये सवाल, ये पेपर टफ होता है ना, नेट के सिलेट के वहां जरूर पड़ती है। विधि का मतलब होता है यहां नियम से नहीं है, यहां कर्म को करने की प्रेरणा से संबंधित है विधि। ठीक है। दूसरा विनियोग। ठीक है, विनियोग। अरे विनियोग क्या है? क्योंकि हर शब्द सरल है लेकिन इनके अर्थ यहां बिल्कुल बदल जाते हैं, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। विधि का मतलब है कर्म को करने की प्रेरणा देने वाला जो होता है वो यहां विधि कहला जाता है, ऐसा वाक्य। और विनियोग, विनियोग क्या है? वैदिक मंत्रों का यज्ञ में प्रयोग। यहां विनियोग का मतलब है तो नियोजन से, लेकिन किनका? वैदिक मंत्रों का। ठीक है ना, वैदिक मंत्रों का। किसमें? वैदिक मंत्रों का किसमें प्रयोग होता है? इसमें यज्ञ में। ठीक है ना, यज्ञ में प्रयोग। राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मेरी बातों को ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। विनियोग का मतलब है वैदिक मंत्रों का यज्ञ में प्रयोग। ठीक है। तीसरा है इसका हेतु। ये मैं बता रहा हूं आपको क्या ब्राह्मणों के प्रतिपाद विषय। ठीक है ना। तीसरा है हेतु। हेतु का अर्थ है कर्मकांड करने की किसी भी विधि के लिए कारण बताना। पेपर कोई कर्मकांड कर रहे हैं ना, कर्मकांड करने की विधि का कारण बताना। अपन कोई कर्मकांड कर रहे हैं उसके लिए विधि होती है। तो ये देखो पूरा लिखता हूं, कर्मकांड की विधि है ना, का कारण बताना। विधि क्या है? कर्म को करने की प्रेरणा। अब हेतु में विधि शब्द आया है तो कर्मकांड की विधि का कारण, यानी कि इस प्रेरित किस लिए किया जा रहा है यह बताया जाता है हेतु में। तो कर्मकांड की विधि का जो कारण बताना होता है वो होता है हेतु। अब है चौथा अर्थवाद। ठीक है, ये इसके प्रतिपाद्य ब्राह्मणों के। अर्थवाद
स्तुति और निंदा के जो वचन, अपन किसी की प्रशंसा करते हैं ठीक है ना, और किसी की निंदा करते हैं, तो वो जो वचन होते हैं स्तुति और निंदा के वचन है ना, स्तुति और निंदा के वचन ये क्या कहलाते हैं, अर्थवाद। तो स्तुति और निंदा के जो वचन होते हैं ये कहलाते हैं अर्थवाद। मैं आपको बता रहा हूं ब्राह्मणों के प्रतिपाद, चार हो गए मैं आपको बता चुका हूं ठीक है ना, पांचवा है निर्वचन ठीक है ना, पांचवा है निर्वचन। निर्वचन मतलब निकलना होता है ना, लेकिन अब इसमें कैसा है, इसका मतलब किसी शब्द का विश्लेषण करके उससे संबंध क्रिया पद से जोड़ना है, यानी कि किसी शब्द का पहले तो विश्लेषण करो ठीक है ना, किसी शब्द का विश्लेषण करो पहले तो, किसी शब्द का विश्लेषण कर उसे क्रिया पद से जोड़ना, क्रिया पद से जोड़ना ठीक है। निर्वचन का मतलब होता है किसी शब्द का विश्लेषण कर उसे क्रिया पद से जोड़ना, निर्वचन का मतलब होता है किसी शब्द का विश्लेषण कर उसे क्रिया पद से जोड़ना, ब्राह्मणों में निर्वचन कहलाता है। अब है आख्यान, ये इसका छठा प्रतिपाद विषय है आख्यान ठीक है ना। आख्यान मतलब क्या होता है, वैसे तो कहानी होती है ठीक है ना, कोई भी आख्यान कहानी होती है, लेकिन यह आख्यान का क्या है, पूरा कल्प और प्रक्रिया ठीक है ना, पूरा कल्प और प्रक्रिया इनको क्या कहते हैं, आख्यान। तो ये जो छह मैंने बताए ये आपको ब्राह्मणों के मैंने प्रतिपाद बताए। अब देखो आप, ब्राह्मण बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब ब्राह्मणों की हम संख्या देखेंगे ठीक है ना, ब्राह्मणों की हम संख्या पे जाते हैं, तो ब्राह्मण कितने हैं और किस वेद के कितने, वेद अनुसार होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण है, दो ठीक है ना, ऋग्वेद के ब्राह्मण है दो। पहला तो है ऐतरेय है ना, ऋग्वेद का ब्राह्मण है पहला ऐतरेय ठीक है ना। इसमें कितने अध्याय हैं, 40, इसमें 40 अध्याय है। और इसके जो ऋषि हैं है ना, इसके जो ऋषि हैं वो कौन है, महीदास, इसके ऋषि हैं महीदास है ना। ये देखो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, पहला है ऐतरेय, ऐतरेय में 40 अध्याय हैं ठीक है, और इसके जो ऋषि हैं वो हैं महीदास ठीक। इसका ऋग्वेद का जो दूसरा है ब्राह्मण वो कौन सा है, उसको कहते हैं शांखायन या कौशितकी, शांखायन या कौशितकी ठीक है ना, शांखायन या कौशितकी इसको अपन कहेंगे। अच्छा अब इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें 30 अध्याय हैं। ये हर लाइन में सवाल है देखते रहना, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, पहला है ऐतरेय इसमें 40 अध्याय हैं और इसके ऋषि हैं महीदास, दूसरा है शांखायन इसको कौशितक भी कहते हैं और इसके जो अध्याय हैं वो हैं 30, इसके ऋषि का नाम पता नहीं है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद ठीक है, अब अपन देखेंगे यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण है, यजुर्वेद के भी दो ही ब्राह्मण है ठीक है, यजुर्वेद के भी दो ही ब्राह्मण है, कौन कौन से। देखो यजुर्वेद में एक चीज देखने की है, यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद का, तो जब इसके दो भाग होंगे तो एक शुक्ल यजुर्वेद का होगा, तो शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा भाग है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये सवाल बहुत बार आया है, शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है, यजुर्वेद का तो है लेकिन ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग होता है। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, इसमें 100 अध्याय हैं है ना, ये जो गणित का अंक लिख रहा हूं ये अध्याय की संख्या है, शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और इसको अभी तक क्या कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, ये इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। तो ये सवाल आता है कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण किसको कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण को कहा गया है और ये किसका ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और श्रेष्ठ ब्राह्मण इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो प्रतिपाद विषय है वो मानवता की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया है, और इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य के ऋषि को बताया गया है ठीक है ना, याज्ञवल्क्य के इसके रचयिता है ठीक है। ये देखो अब मैं इसके पॉइंट दोहरा रहा हूं एक बार, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, पहला अपन देख रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है जो कि शतपथ ब्राह्मण है, इसमें 100 अध्याय है,
इसको सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है और इसके जो रचयिता हैं वो ये महर्षि याज्ञवल्क्य को माना गया है। ठीक है, अपना चल रहा है यजुर्वेद का ब्राह्मण। दूसरा है इसका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तैतृय ब्राह्मण। ठीक है, तैतृय ब्राह्मण, तैतृय ब्राह्मण। ठीक है, अब तैतृय ब्राह्मण में क्या है, इसमें वैदिक ज्योतिष का वर्णन किया गया। इसमें तीन कांड है, इसमें कांडों की संख्या है। देखो ये सबसे अलग आ गया ना, अध्याय हट गए, कांड हो गया, इसलिए विशेष हो जाता है। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है, रट रहे हैं उसमें 100 अध्याय, उसमें 30 अध्याय, उसमें 40 अध्याय, इस तरह से, लेकिन यहां कांड आ गए। तो तैतृय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें तीन कांड है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें वैदिक ज्योतिष का वर्णन बताया गया है। ठीक है, इसमें वैदिक ज्योतिष का वर्णन है। ठीक है ना, वैदिक ज्योतिष का वर्णन किसमें किया गया है, जो सवाल बनता है वो है तैतृय ब्राह्मण में। और तैतृय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, ये है यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है, अब इसमें तीन कांड मैंने बताए, है ना, तीन कांड, ये देखो यहां लिख रहा हूं दोबारा मैं, इसके तीन कांड 28 प्रपाठक। ठीक है ना, तीन कांड है, 28 प्रपाठक है और 340 अनुवाद, 340 अनुवाद। देखो ये इसकी व्याख्या है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैतृय ब्राह्मण, इसमें तीन कांड 28 प्रपाठक और 340 अनुवाद है, है ना, तीन कांड दोबारा लिखा हुआ है, तीन कांड 28 प्रपाठक और 340 अनुवाद है, और इसमें वैदिक ज्योतिष का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है यजुर्वेद और ऋग्वेद के ब्राह्मणों के बारे में। अब अपन देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण। ठीक है, चार वेद है ना, चारों वेदों के बारे में बता चुका हूं पिछले वीडियो देखना। सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद में क्या है कि देखो पंचविश ब्राह्मण पहला, इसको तांड्य ब्राह्मण भी कहा गया है, पंचविश है ना, इसको क्या 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 कहा गया है, तांड्य ब्राह्मण भी कहा गया है ना। तो पंचविश ब्राह्मण किसका है, सामवेद का है। इसमें 25 अध्याय है, इसमें कितने अध्याय है, 25 अध्याय है। देखो पंचविश इसका नाम है, इसको तांड्य ब्राह्मण भी कहा गया है, और इसका एक नाम और है वो है महाब्राह्मण। ये सवाल बार बार आता है, महाब्राह्मण किसको कहते हैं, अभी तो आप पढ़ते रहे ब्राह्मण लेकिन ये महाब्राह्मण आ गया है, तो महाब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण को कहते हैं और ये सामवेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको याद रख लेना। दूसरा है षडविश ब्राह्मण, ये पंचविश 25 अध्याय, देखो पंचविश मतलब 25 होता है, इसलिए इसे 25 अध्याय ही है। इसका दूसरा ब्राह्मण है षडविश ब्राह्मण। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक्स है, इसलिए आसानी से याद हो जाएगा। 25 मतलब यहां भी 25 है, 25 है, तो 25 संबंधित है सामवेद से, इसको महाब्राह्मण भी कहा गया, तांडे भी कहा गया। दूसरा है इसका षडविश ब्राह्मण, षडविश ब्राह्मण में देखो सीधी बात है, षडविश मतलब 26, तो इसमें अध्याय कितने हो गए, 26 अध्याय है। ठीक है ना, षडविश का मतलब 26 होता है ना, तो इसलिए इसमें अध्याय की संख्या 26 ही है। और इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं अद्भुत ब्राह्मण। अभी अद्भुत क्यों है ये मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी देख लेना, इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो पंचविश ब्राह्मण तांडे है, ये तांडव करता है, और षडविश ब्राह्मण अद्भुत है, ये अद्भुत है, और महाब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण को ही कहा गया है। अब देखो आप एक और है इसका तवलकार, है ना, तवलकार, तवलकार भी ब्राह्मण का नाम है। ठीक है ना, तवलकार ब्राह्मण, ये क्या है, ये जैमिनी शाखा है ना इसकी, मैंने आपकी इसकी शाखाएं बताई है, आप पिछले वीडियो में देख लेना, ये जैमिनी शाखा का ब्राह्मण कौन सा है, तवलकार ब्राह्मण है। अब आया अपना लास्ट वेद अथर्ववेद। ब्राह्मणों की संख्या में तीन ब्राह्मण देख चुके हैं, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और सामवेद के, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है, तो दोस्तों अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है गोपथ। ठीक है ना, गोपथ, तो ये सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा गया है वो यही सवाल है कि गोपथ ब्राह्मण किसका है, तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक है, इसमें ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। देखो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, ये ओम व गायत्री की महिमा का वर्णन किसमें है, ये है गोपथ ब्राह्मण में, और गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक है, इसके दो भाग हैं, गोपथ ब्राह्मण है, कितने भाग हैं, इसके दो भाग हैं। ठीक है, तो ये एक ही ऐसा ब्राह्मण है, इसके भागों में बांटा गया है, तो गोपथ किसी को अध्याय में बांटा गया है, किसी को कांडों में, किसी को प्रपाठकों में, तो गोपथ ब्राह्मण को भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से, पूर्व गोपथ, ठीक है ना, पहला भाग है इसका पूर्व गोपथ और दूसरा भाग है इसका उत्तर गोपथ।
ठीक है ना, उत्तर गोपद, ठीक है ना, पहला भाग और दूसरा भाग, इसलिए गोपद ब्राह्मणों को इन भागों में बांटा गया। अब देखो शतपथ ब्राह्मण के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके रचयिता याज्ञवल्क्य के थे, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण अब अपन देखेंगे ब्राह्मणों का विभाजन, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण शतपथ है ना, इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य, मैंने आपको बताया था, आप देखना ढंग से, ठीक है ना, इसी वीडियो में शुरू में आपको मिल जाएगा याज्ञवल्क्य। इसका विभाजन अपन देख ले, इसमें 14 कांड, कितने हैं 14 कांड है इसमें, इसके अलावा 100 अध्याय है, 100 अध्याय, ठीक है, और इसमें 68 प्रपाठक है, 68 प्रपाठक है इसमें, 14 कांड 100 अध्याय 68 प्रपाठक, और 438 ब्राह्मण, ठीक है ना, इससे कितने ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, 438 ब्राह्मण, ये ब्राह्मण में ब्राह्मणों की संख्या है, और 7624 इसमें कंडिकाएं हैं, 7624 कंडिकाएं। तो ये कंडिकाओं वाला सवाल अक्सर पूछा गया है, ये ध्यान रखना कि 7624 कंडिकाएं शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। अच्छा अब देखो ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ हो गया ना, अब ये ऐतरेय ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, 40, ये आपको बताया मैंने, ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है, ठीक है ना। इसमें ऋण त्रय के बारे में बताया गया है ना, किसके बारे में, ऋण त्रय, तीन ऋणों के बारे में जानते हो ना, ऋण त्रय कौन कौन से हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, देव ऋषि और पितृ, ठीक है ना, ये आरएस के एग्जाम में आया था, ठीक है, लास्ट ईयर मेंस में 20 शब्दों में इसको पूछा गया था, ठीक है ना, 5 नंबर का सवाल था। तो तीन ऋणों के बारे में बताया गया, तो तीन ऋणों के बारे में कौन कौन से, इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है ना। अच्छा इसमें राजसूय यज्ञ के बारे में बताया गया है, राजसूय यज्ञ के बारे में, राजसूय यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। दूसरा अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में बताया गया है, ये सब सवाल आते हैं दो दो नंबर के, अग्निष्टोम यज्ञ होता है अग्नि के चारों तरफ, अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण बताया गया है। अच्छा अतिथि पूजन का महत्व और सुनिश्चित आख्यान भी ऐतरेय ब्राह्मण में ही बताए गए हैं। अब देखो आप गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का है ना, एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण, इसमें ओम और गायत्री महिमा का वर्णन है, ये मैंने आपको बताया ही है, ओम व गायत्री महिमा किसमें है, गोपद ब्राह्मण में बताई गई है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा तैतृय ब्राह्मण में अश्वमेध और पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन, तैतृय ब्राह्मण तैतृय, इसमें अश्वमेध और दूसरा कौन सा यज्ञ है, पुरुषमेध है ना, पुरुषमेध, अश्वमेध और पुरुषमेध यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया है, तैतृय ब्राह्मण में बताया गया है। इस प्रकार ये ब्राह्मणों में इसके प्रतिपाद विषय और ये चीज जो है इसके अध्याय प्रपाठक कांड कंडिकाएं इन चारों को, इसके अलावा इसके प्रतिपाद विषय को, इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद करें और जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार इसको सीक्वेंस में अपने कॉपी में उतारो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और इसका तुरंत आप लाभ उठाएं, और अगले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आगे बढ़ाने में, कंपटीशन को फाइट करने में, आपको सक्सेस करने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों जल्दी ही हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।